अननोन नंबर से, जिस पे 101 नंबर पे फोन कॉल आया जिसमें वो बताया गया था फायर स्टेशन पे आ गए, मतलब मालदा फायर स्टेशन पे फोन आया कि मालदा स्टेशन के अंदर आ गए। हम लोग मतलब चटक और अशोक नगर फायर स्टेशन से हम लोगों ने मतलब गाड़ियां मंगवा के तीन से चार गाड़ियां मंगवा के पहुंचाई गई। उस पर मतलब यहाँ सूचना मिली आम पब्लिक के द्वारा, मतलब बोला गया है कि यहाँ कोई आग नहीं है। हमने काफी छानबीन कर रही है, यहाँ कोई आग नहीं है। इस तरह की फायर कॉल, फर्जी फायर कॉल पे सूचना देना है, ये आम पब्लिक इस तरह के मतलब इमरजेंसी कॉल पे मतलब फायर कॉल पे सूचना देती है गलत है, और इस पे मतलब आप सूचित कराया जाए थोड़ा। कितने बजे आया? 9 से 9:30 बजे करीबन फायर कॉल आया था। तो ये फेक कॉल हुआ तो फिर आपने क्या किया? फेक कॉल हुआ हमारे पास आया, हम लोगों ने सूचना एक चैटक फायर स्टेशन पे दी है, और एक हमारे अशोकनगर फायर स्टेशन में हमने गाड़ी रवाना करी है, जिसमें हो सकता है इतनी स्पीड में गाड़ी आई है या बीच में कोई अन्य वाहन आ जाता तो उसको भी मतलब क्षतिग्रस्त हो सकता था। तो उस चक्कर में हम लोगों ने इतनी स्पीड में आके मकान की आग सूचना सोच के, हो सकता है उस मकान में 20 से 25 आदमी हो सकते थे जिनकी जान माल का खतरा हो सकता था, और बचाने के चक्कर में हम लोगों ने स्पीड में गाड़ी को लेके आए। परंतु यहाँ पहुंचने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ कोई आग नहीं है, तो हमें मतलब काफी दुख होता है कि इस तरह की भी हमारे पास फर्जी कॉल आ सकते हैं। तो ये फर्जी कॉल के ऊपर आपने क्या कार्रवाई करी? फर्जी कॉल पे हमने कार्रवाई करी है कि आम पब्लिक के द्वारा और वहाँ की संबंधी व्यक्तियों के द्वारा हम लोगों ने जाके घंटागढ़ थाने में सूचित कराया, और उसमें FIR लॉन्च कराने के लिए हमने रिपोर्ट दी। क्या लिखित में दिया आपने? लिखित में दिए, उसमें कहा है कि मतलब इस कॉल पर उसमें जो नंबर आए हैं उस नंबर को हमने लिखित में दिए, इस पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए ताकि इस तरीके से फायर कॉल फर्जी फायर कॉल मतलब नहीं आए।